और आपको अभी जस्ट भारत का सबसे बड़ा ब्लॉगर सौरभ जोशी का गाड़ी दिखाएंगे। और गेट नंबर 1 के बाद अभी हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 3 पर, और गेट नंबर 3 पर ही गाड़ी यार को पार्किंग का जो सुविधा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम आपको सरंजन का अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम आपको समस्तीपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे और यहां पर आपको पूरा दिखाएंगे ना। तो वीडियो को ना आप लास्ट तक बने रहिएगा, और जो लोग समस्तीपुर का रेलवे स्टेशन घूम लिए हैं वो भी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत चीज़ यहाँ 2021 में बदला है तो आपको वो भी बताएंगे। और जो लोग समस्तीपुर का रेलवे स्टेशन नहीं देखे हैं तो उसको तो आज इस वीडियो में दिखाई देंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा वहाँ का व्यू। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिफ्ट के द्वारा बताएंगे, और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी है और उसके जस्ट ही बगल में लिफ्ट का भी सुविधा है। तो सबसे पहले सीढ़ी वाला लिफ्ट पर हम जाएंगे और आपको वहाँ का दिखाएंगे व्यू। और इधर देख सकते हैं आप, इधर लिफ्ट बना हुआ है, और इस साइड आप देखिएगा एक उतरने के लिए सीढ़ी है और उस साइड में चढ़ने के लिए एक सीढ़ी है। तो चलिए, हम तो मज़ा उठा रहे हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसा व्यू है। और भाई साहब, समस्तीपुर में देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट बना हुआ, लग रहा है जैसे चल ही नहीं रहे हैं लेकिन जहाँ जाना होता पहुँच जाते हैं। A few inches later. तो सबसे पहले तो आपको गेट नंबर 1 से आपको दिखाने शुरू करते हैं, और गेट नंबर के जस्ट बगल में आप उधर देख सकते हो वहाँ पर टिकट काउंटर है। तो जो लोग यहाँ आइएगा तो गेट नंबर 1 के पास टिकट काउंटर है, और उसके बाद गाड़ी पार्किंग आर के बारे में बताएंगे और यहाँ पर क्या क्या बदला है और कैसा यहाँ का व्यू होता है वो भी आपको दिखाएंगे। और गेट नंबर 1 पर जब आइएगा तो उसके जस्ट बगल में इधर आप देख सकते हैं फूड के लिए कुछ बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ रेलवे स्टेशन का कुछ सिंबल बना हुआ है, और गेट नंबर 1 के पास में ही है। अब जब आप सीढ़ी पर चढ़िएगा तो सीढ़ी वाला लिफ्ट का जो सीढ़ी होता है उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चीज़ का जो बनाया हुआ है, और बीच में आप देख सकते हैं बाघ का चित्र है और 2 साइड में वो बना हुआ है। और इसके बाद आपको चलते हैं यहाँ पर का जो पार्किंग का जो सुविधा है उसके बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या पार्किंग का चार्ज रहता है। तो चलिए वहाँ पर दिखाते, तब तक आप यहाँ पर ना साइनामेटिक वीडियो द्वारा यहाँ का कुछ लुक देख लीजिए और कितना मज़ेदार होता है आप वो पहले लुक देख लीजिए। और आपको अभी जस्ट भारत का सबसे बड़ा ब्लॉगर सौरभ जोशी का गाड़ी दिखाएंगे। बस कर पापी, बस कर। और आप अंदर में देख सकते हैं, लग रहा है जैसे सौरभ जोशी का गाड़ी है। और आप लोग जो सौरभ जोशी को पहचानते होंगे उनको आप गाड़ी में देखिएगा तो यही वाला बना हुआ है। तो मुझे भी लगा कि सौरभ जोशी का गाड़ी है तो आपको भी दिखा दिए हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और गेट नंबर 1 के बाद अभी हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 3 पर, और गेट नंबर 3 पर ही गाड़ी यार को पार्किंग का जो सुविधा है वो है। और गाड़ी वाला पार्किंग के सुविधा के बारे में वहाँ पर जाके बताएंगे कि आपको गाड़ी का जो पार्किंग होगा उसका कितना चार्ज लगता है। और यहीं पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर गाड़ी यार का लगाने का जो पार्किंग का सुविधा होता है वहीं पर लगाता है ये। और इधर मेरा रहा अपना गाड़ी, तो यहीं पर हम लोग का गाड़ी अभी लगा हुआ है, और उसके बाद जस्ट चलते हैं और यहाँ से पूछते हैं कि गाड़ी का जो पार्किंग का चार्ज होता है उसका क्या चार्ज है। And a half hours later. वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी, और वीडियो तो यह बहुत छोटा है, और एक दिन और जाएंगे और पूरा अच्छा से वहाँ पूरा स्टेशन का वीडियो बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अभी हम लोग होटल में खा रहे हैं। तो आज के वीडियो में भी बस इतना ही, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि समस्तीपुर में जो भी अच्छी चीज़ें होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। बाय।